गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आवर टॉपिक इज एचएससी इंटरव्यू। गाइस इससे पहले हमने पार्ट वन पार्ट टू ठीक हैज बीन कंप्लीटेड ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी एचएससी इंटरव्यू का पार्ट थ्री में हम बात करेंगे ठीक है। इसमें 11 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और 10 क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड है ठीक है। उस 10 क्वेश्चंस पे हम लोगों ने बात कर लिया है, समझ लिया है ठीक है। 11 क्वेश्चंस से आज स्टार्ट करेंगे और 15 क्वेश्चंस तक हम लोग जाकर फिनिश करेंगे गाइस ठीक है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। देखिए एचएससी क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपका जो 11 क्वेश्चंस है वो आपका है व्हाट इज सेफ्टी टैग ठीक है। सेफ्टी टैग क्या होता है गाइस? सेफ्टी टैग क्या होता है? अभी मैंने आपको एक टॉपिक में पढ़ाया हुआ था, इसमें गाइस लिखा हुआ था कि लोटो लॉग आउट टैग आउट, तो उसमें एक जो टैग आउट का नाम लिया गया था, जो बताया गया था, वो टैग आउट में भी होता है कि इसमें रिटन लिखा रहता है कि डू नॉट यूज मशीन ठीक है। इस तरीके से इसमें रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, या ऑपरेट करना है तो उसके भी रहेंगे, मतलब अथॉरिटी रहेगी स्टार्ट करने की। तो उस तरीके से मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि सेफ्टी टैग कैन बी डिफाइंड सरफेस मेड ऑफ कार्डबोर्ड और पेपर ऑन विच इंग्लिश लोकल लैंग्वेज रिटेन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय ठीक है गाइस। ये यहां पे ये कह रहे हैं कि जो है सेफ्टी टैग जो होता है वो मतलब डिफाइन हुआ है सरफेस मेड ऑफ द कार्डबोर्ड, जिस तरीके से हमारा कार्डबोर्ड वगैरह होता है या पेपर होता है ठीक है, तो उस पे हम रिटन में लिंक कर देते हैं कि उस पे हम रिटन में राइट करके देते हैं, उस पे इंस्ट्रक्शंस देते हैं रिटन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय ठीक है। उस पे मतलब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि यदि कोई मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है या किसी चीज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है या करना है या नहीं करना है ठीक है, तो वहां पे हम उस कार्डबोर्ड या उस पेपर पे जो लोकल लैंग्वेज होगी उसको वहां पे लिखा जाएगा। जैसे हिंदी इंडिया है तो हिंदी में लिखा गया या तो इंग्लिश में लिखा गया, दो लैंग्वेज का यूज किया गया ठीक है। जैसे कि डीप एक्सकवेशन ठीक है, तो ये इंग्लिश में लिख के हमने लगा देते हैं जब हम साइन बोर्ड वगैरह लगाते हैं, तो वहां इसका भी वही सेम सेंस है कि मतलब हमें एम्प्लॉय को मतलब उनको उनकी जो मतलब एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शन देना होता है, कंफर्मेशन करना होता है कि रिटन सेफ्टी इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय, उनको लिखित रिटन पेपर पे और कार्डबोर्ड पे ठीक है, ये चीज वहां पे लिखा होता है कि हमें काम नहीं करना है या करना है। तो ये एक सेफ्टी टैग क्या होता है? सरफेस मेड ऑफ द कार्डबोर्ड पेपर इन विच इंग्लिश लोकल लैंग्वेज, जो वहां की लोकल लैंग्वेज होगी ठीक है, वो लोकल लैंग्वेज पे लिखी होगी। क्लियर है? ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, बस इतना ही है जो मैंने आपको बताया था, रेड टैग ग्रीन टैग येलो टैग, उसी तरीके से ये टैग होता है जो एक पेपर होता है इस पे ये लिखा होता है, तो अंदर रिटन होता है और वो सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस रिटन हुए होते हैं ठीक है, जो सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस है एम्प्लॉय के लिए वो। अगला है व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है गाइस? जिस चीज की हम काम की अनुमति देते हैं, जिस काम की हम परमिशन देते हैं उसे वर्क परमिट सिस्टम कहते हैं। और वर्क परमिट की जैसे कहते हैं परमिट टू वर्क, PTW, परमिट टू वर्क, काम की अनुमति देना, दैट इज वर्क परमिट ठीक है। इसमें क्या है? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स इशू बाय द एरिया इंचार्ज टू द परफॉर्मर अंडरटेक द स्पेसिफिक द जॉब। एक यह रिटन डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? एक इंचार्ज एरिया मैनेजर मतलब सेफ्टी इंचार्ज हो या ठीक है या उस साइट का जो भी इंचार्ज हो उसके द्वारा एक रिटन डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो काम की अनुमति के लिए एक इंचार्ज देता है काम की परमिशन के लिए ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? यस। काम की परमिशन के लिए, जॉब के लिए ठीक, चाहे जॉब बोलिए या काम बोलिए। व्हाट इज इंस्पेक्शन? इंस्पेक्शन क्या होता है? निरीक्षण क्या होता है? जो हम एग्जामिनेशन निरीक्षण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं गाइस? देखिए इंस्पेक्शन मींस टू डिफाइन फाइंड आउट द हैजार्ड्स। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि हम हैजार्ड्स को फाइंड आउट करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द
हैजार्ड, दैट मींस इंस्पेक्शन, हमें फाइंड आउट करना है, हमें हैजार्ड्स को फाइंड आउट करना है, समझ में। तो उसके बाद में तो हम उस पे फाइंड आउट कर पाएंगे, तभी तो प्रिकॉशंस लगा पाएंगे, प्रिवेंशन लगा कर सकते हैं, अदरवाइज कैसे कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन में सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द हैजार्ड्स अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट, ठीक है। किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट के अनुसार जो है हम जो प्रिपेयर करते हैं, चेकलिस्ट मेंटेन करते हैं, उसके अनुसार फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द हैजार्ड्स, दैट इज इंस्पेक्शन। उसके बाद में फिर सारी प्रोसेस उसके आगे स्टार्ट होता है इंस्पेक्शन के बाद, ठीक है। ये आपका 13 क्वेश्चंस हैज कंप्लीटेड, ये हो गया ना, गॉट इट गाइस? यस सर, यस सर। और आपका है 14 है, व्हाट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसे हम पीपीई कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है। इसके बारे में आप लोग को जानते हैं पहले से, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। आपका पर्सनल प्रोटेक्ट, इट इज एन इक्विपमेंट्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट द पर्सन, ठीक है, या ऐसा उपकरण होता है जो प्रोटेक्ट करता है पर्सन को फ्रॉम किससे, हैजर्ड से। हैजर्ड से बचने के लिए जो हम हेलमेट, सेफ्टी सूट, सेफ्टी जैकेट्स, गम्बूट, ठीक है, गम्बूट और फॉल प्रोटेक्शन में सेफ्टी हार्नेस, जो भी इक्विपमेंट्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, वो हमें किससे बचाता है, हैजर्ड से बचाता है। और हैजर्ड से हम बचे रहेंगे तो इंजरी से बचे रहेंगे, चोटों से बचे रहेंगे, नुकसानों से बचे रहेंगे, ठीक। ये आपका हो गया, ये हो गया आपका सच है, जैसे कि फॉल फ्रॉम हाइट में गाइस क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई से गिरता है, ठीक है, तो उसको इंजरी होती, चोटें लगती, और हम उसको फॉल फ्रॉम हाइट होता है, लेकिन उसको अगर हम फॉल प्रोटेक्शन में सेफ्टी हार्नेस बेल्ट देंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करेगा, तो फॉल फ्रॉम हाइट होगा, नहीं होगा। इसलिए जो है ये यहाँ पे गाइस हम फॉल फ्रॉम हाइट इसलिए लिखे हैं ताकि जो है यदि अगर वो सेफ्टी हारने सेफ्टी बेल्ट का यूज करेगा तो फॉल फ्रॉम हाइट नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, प्रोटेक्ट हुआ ना, प्रोटेक्शन किया कि नहीं किया। डस्ट हमें अगर हम फेस मास्क का यूज करते हैं तो डस्ट हम बचे रहेंगे, वैसे भी इस कोरोना काल में सब फेस मास्क का यूज कर ही रहे हैं। स्पार्क्स हो गया आपका, जो चिंगारियां वगैरह निकलती हैं, ठीक है, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, फेस शील्ड का इस्तेमाल करें, जो वेल्डर लोग होते हैं ना, वेल्डिंग करते समय बहुत स्पार्क्स निकलते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें फेस शील्ड का इस्तेमाल करेंगे, गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे, उनकी आईज प्रोटेक्ट रहेगी, उनकी फायर लगने के चांसेस नहीं होंगे। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम लोग को सेव करता है, सुरक्षित करता है, बचाता है, ठीक है। तो आपका स्पार्क्स हो गया। हेड इंजरी मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेड इंजरी में जैसे कि आपने हेलमेट का इस्तेमाल किया, अब हेलमेट का यूज करने का सी हो गया गाइस कि कोई यदि कोई भी इक्विपमेंट्स ऊंचाई से गिरता है, ठीक है, ऊंचाई से गिरेगा तो आपके सर पे गिर सकता है। अगर यदि आप हेलमेट का यूज नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट वेयरिंग हेलमेट, तो वो कोई भी चीज आपके सर पे गिर के आपको इंजरी हो सकती है, इंजरी हो सकती, चोट लग सकती है, ठीक है। तो वो अगर आप हेलमेट का यूज करेंगे तो आप प्रोटेक्ट करेंगे, तो मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का ये काम होता है प्रोटेक्ट करना। अब आप हेड इंजरी से बचे रहेंगे, चोटें नहीं लगेंगी आपको, और बाकी ईटीसी एक्सेट्रा में और सारी चीजें आती हैं, थोड़ा आगे इसके और एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज द वैरियर बिटवीन द हैजर्ड एंड पर्सन, यह एक वैरियर है, मतलब एक तरीके से बाधा है, मतलब एक वैरियर है, किसके बीच में है, आपके जो है मतलब हैजर्ड्स के और पर्सन, इट इज द बैरियर बिटवीन हैजर्ड्स एंड पर्सन, पर्सन के बीच में और हैजर्ड्स के बीच में एक बाधा है, अगर हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट गाइस यूज करते हैं, और नहीं यूज करते हैं तो क्या होता है वो आप लोग जानेंगे। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज करने से क्या क्या हमें लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, वी हैव रिटन ओवर हियर एंड वी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड नाउ, ठीक है, हमने इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग, द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, एक प्रोसेस होता है गाइस, एक प्रोसेस होता है लिफ्टिंग करने का, इट इज द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, एक प्रोसेस होता है लिफ्ट करने का, ठीक है, किसके द्वारा, इंसानों के द्वारा भाई, एक प्रोसेस होता है क्रेन के द्वारा कोई मटेरियल लोड को उठाया जाता है, एक प्रोसेस होता है इंसानों के द्वारा, पर्सन के द्वारा लोड को उठाना, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग कैरिंग एंड स्टैकिंग मटेरियल बाय द मैन इज कॉल्ड मैनुअल हैंडलिंग, कोई भी लोड को उठाना
इंसानों के द्वारा, पर्सन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान उस लोड को ले जाना, ठीक है, चाहे वो जैसा भी लोड हो, जितनी भी इसकी कैपेसिटी होगी पर्सन की, जितना वो बेयर कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इस लोड को, उसे हम मैनुअल हैंडलिंग करते हैं। जो पर्सन मैन के द्वारा, इंसानों के द्वारा उठाकर लोड किया था उसको हम क्या बोलते हैं, फिर से एक बार लिखा देते हैं, द प्रोसेस ऑफ द लिफ्टिंग कैरिंग एंड स्टैकिंग। एक जगह कहीं पे इकट्ठा माल को स्टैकिंग करते हैं, इकट्ठा माल करना एक स्थान दूसरे जगह, वहां पे एक स्टैकिंग करना, ढेर लगाना, दैट इज स्टैकिंग। तो अगर कोई इंसान के द्वारा किया जा रहा है तो वो मैनुअल हैंडलिंग कहलाएगा, और वो मशीन के द्वारा किया है तो वो मशीन का ही सिस्टम, मशीनरी हो गया, ठीक है। तो मैनुअल हैंडलिंग आपका क्लियर हो गया गाइस, गॉट इट गाइस। थर्ड पार्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट, एंड नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में आप लोग देखेंगे, हम लोग जो है बात करेंगे 16 क्वेश्चन से, ठीक है गाइस, got it? Yes, okay, thank you.